हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपने प्लस टू का नेक्स्ट लेक्चर। हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है, उस पूरे यूनिट में हमारे पास तीन चैप्टर हैं। हम फर्स्ट यूनिट और उसके हॉट्स कवर कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका सेकेंड यूनिट स्टार्ट। अब वो चैप्टर हमारा क्या करता है? वो कहता है जी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसमें हम दो मेजर काम करने वाले क्या कि नेशनल इनकम डिटर्मिन करेंगे और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, सर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में क्या फर्क है? मैं बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो है वो एक्सपोस्ट मेजर्स पे होती है, यानी कि एक्चुअल या रियलाइज्ड। लेकिन जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो हम करेंगे एक्स एंटे वेरिएबल्स या मेजर्स पे। इसका मतलब प्लान्ड, इंटेंडेड या डिजायर्ड। क्या होगा जी? प्लान्ड, इंटेंडेड या डिजायर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि जब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट रन का मतलब क्या है? शॉर्ट रन बेटा वो पीरियड है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते। हम जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? एम्प्लॉयमेंट पे। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा है QX इज अ फंक्शन ऑफ, जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसका फंक्शन है? वो क्या है हमारा? वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड है और वेरिएबल फैक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। एग्जांपल हमने लेबर और लैंड ले लिया, तो लैंड फिक्स्ड है, उस लैंड के ऊपर हम एडिशनल लेबर लगा रहे हैं। क्लियर है जी? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे पास अनयूज्ड रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द एडिशनल कॉस्ट। इसका मतलब विदाउट इंक्रीजिंग द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सेम है, बढ़ेगी, एक्स्ट्रा हो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन क्या है। ये ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कि आउटपुट जो है वो एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट पे, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगी तो आउटपुट घट जाएगी। इट मींस आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आगे जी इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, इक्विलिब्रियम इनकम क्या है या इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या है। साथ में बेटा इसमें हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, कि किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हम इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं, हमारी प्लान किस लेवल पे आ रही है। तो इसमें हम ये चीजें क्या है डिटर्मिन करेंगे और हम इसको क्या बोलते हैं जी, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर AD इज इक्वल टू AS इन एन इकोनॉमी। AD इज इक्वल टू AS, लेकिन ध्यान रखना मैंने बात करी डिटर्मिनेशन की, तो मैं बात कर रहा हूं एक्स एंटे मेजर्स की। क्लियर जी? नॉट एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड जाएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में। ये क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। उसके बाद आ गया जी शिफ्ट्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कब होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट तब होगा जब हमारे पास इंजेक्शंस या लीकेजेस होंगे। इसका मतलब हमारा जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जिसको हम व्हील ऑफ वेल्थ बोलते हैं, उसके अंदर या तो पैसा आ रहा है मार्केट में या वहां से पैसा जा रहा है। तो जब भी इंजेक्शंस या लीकेजेस होंगे तो हमारे इक्विलिब्रियम के अंदर शिफ्ट आएगा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर शिफ्ट आ रहा है। क्लियर है जी? याद रखिए क्या मैंने बताया था, एक बंदे का खर्चा दूसरे की इनकम है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, दो बार हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे जी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब हम पढ़ेंगे जी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम यहां पे एक्स एंटे वेरिएबल्स के बेस पे डिटरमिन करेंगे नेशनल इनकम, और हम यहां पे इसको इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम जीडीपी, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट भी निकालेंगे। क्लियर है जी? तो क्या है जी, इसको बेटर डिटर्मिन करने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस, लेकिन उन अप्रोचेस को समझने से पहले हम देखेंगे कुछ assumptions, वो दोनों की कॉमन है। अब वो assumptions क्या है? पहला assumption है जी टू सेक्टर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि सी और आई, हमने बात करी सी और आई, यही दो चीजें अवेलेबल हैं जिसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट या जो आई कंपोनेंट है वो भी कांस्टेंट है, वो भी हमारा कांस्टेंट है। क्लियर जी? थर्ड हम अपनी assumption ले रहे हैं प्राइजेस फिक्स्ड। इसका मतलब प्राइजेस चेंज नहीं हो रही, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि
कि हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अनयूज्ड रिसोर्सेज है, तो हम एडिशनल आउटपुट कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द मार्जिनल कॉस्ट। इनकर होगी मार्जिनल कॉस्ट लेकिन इंक्रीज नहीं होगी। एंड फोर्थ इज वी आर कंसिडरिंग इट टू बी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारा आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, एम्प्लॉयमेंट का, वो होल्ली एंड सोल्ली एक्सक्लूसिवली वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे दो अप्रोचेस की। अब वो दोनों अप्रोचेस क्या है, पहली अप्रोच है बेटा हमारी ADAS अप्रोच। पहली क्या है जी, ADAS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो हम कहते हैं जहां पर भी AD इज इक्वल टू AS होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम GDP है, और वहीं पे हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर जी। फिर सेकंड अप्रोच मेरे पास आती है SI अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच। क्या है जी, सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच। अब ये SI आया कैसे, देखिए हम जानते हैं AD इज इक्वल टू AS, C+I इज इक्वल टू C+S, AD इज इक्वल टू AS, C+I इज इक्वल टू C+S, C और C कॉमन है ना बेटा, कट गया, C-C इज इक्वल टू 0, तो क्या बच गया, I इज इक्वल टू S, या बोल सकते हैं S इज इक्वल टू I। तो ये SI अप्रोच जो है ये भी ADAS अप्रोच जैसी ही, हम उसी से डिराइव कर रहे हैं। क्लियर जी, नोट कर लीजिए जहां आपको लग रहा है जरूरी है, वैसे तो सब जरूरी है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद नोट कीजिए, क्लियर है, जरूरत है रिवाइंड कीजिए। हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ADAS अप्रोच की। अब वो ADAS अप्रोच क्या करता है, और फिर देखेंगे कि SI अप्रोच क्या करता है। तो हम पहला बेटा अपना कर रहे हैं ADAS अप्रोच, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। वो क्या कहता है देखिए, हम उसी टेबल के साथ चलेंगे जो हमने पहले किए हैं, उसमें थोड़ा सा एक चेंज करना चाहिए। क्या करेंगे जी, हम लेंगे बेटा पहले एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ले ली हमने इन लैक्स, एम्प्लॉयमेंट के ले ली इन लैक्स। दूसरा हम लेके चलेंगे बेटा इनकम इन रुपीस करोड़। फिर लेकर चलेंगे कंजम्पशन इन रुपीस करोड़। फिर हम निकालेंगे सेविंग्स इन रुपीस करोड़। फिर हम निकालेंगे AD और फिर निकालेंगे AS, ये भी होगा इन रुपीस करोड़। क्लियर जी। अब देखिए क्या करता है, हम यहां पे मान के चलते हैं एम्प्लॉयमेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50 60। मैं 10 लाख से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा हूं। हमने पढ़ा कि यहां पे जो आउटपुट है दैट इज प्योरली या एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट अपॉन एम्प्लॉयमेंट। जितना भी आउटपुट है वो किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयमेंट। 0, 100 इसको हमने बेटा 10 से बढ़ाया, इसको हम 100 से बढ़ा रहे हैं। 400, 500, 600 कंजम्पशन है बेटा हमारी 40, इसको अब हम 80 से इंक्रीज करें 120, 200, 280, 360, 440, 520। अब सेविंग्स हम जानते हैं कैसे आता है, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो Y माइनस C क्या आ गया बेटे, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। क्लियर जी। अब AD क्या है हमारे पास, AD है जी C+I, सॉरी I वाला कॉलम रह गया, पहले I वाला कॉलम बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रुपीस करोड़, इसको हम मान के चल रहे हैं 40, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट। ये हम अपनी assumptions में पढ़ चुके हैं और पिछले चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा। तो अब निकालेंगे हम AD आएगा बेटे C+I इन रुपीस करोड़, C+I इन रुपीस करोड़। तो ये बेटा सी, ये है बेटा आई, 40+40 is 80, 160, 240, 320, 400,
480 560। तो ये आ गई हमारे पास एडी सी प्लस आई। अब हम निकालेंगे बेटा एएस। एएस क्या हमारी सी प्लस एस। क्या है जी सी प्लस एस। अब क्या होगा देखिए, कंजम्पशन पर सेविंग्स कितना देगा, जीरो, हंड्रेड, टू हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, फोर हंड्रेड, फाइव हंड्रेड, सिक्स हंड्रेड। अब यहां पे एक नोट करने वाली चीज है जो मैंने आपको पिछले यूनिट में भी बताई कि ए एस इज इक्वल टू वाई। तो देखिए ए एस की जितनी वैल्यूज हैं वो सब हमारे इनकम के बराबर आ रही है, वो सारी वैल्यूज इनकम के बराबर। क्लियर है जी। अब हम बात करेंगे कि इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये बता देते हैं। ये बेटा वाई एक्सिस, ये है बेटे एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब हमें क्या दिखाना है, एडी और एएस यहां पर दिखाना है। तो इसका मतलब एडी यहां पर आएगा, सी दिखाएंगे और आई, एज सी प्लस आई इसको हम दिखाएंगे। यहां पर आएगा बेटा हमारा इनकम, इसको लिख देता हूं आपको इजी रहेगा, इनकम आउटपुट जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एएस इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे दिखा रहे हैं बेटा हम अपना वाई कर्व, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई। अब इनकम आ गई, लेकिन इक्विलिब्रियम इनकम कहां आएगी, इक्विलिब्रियम इनकम आएगी मैंने आपको बताया वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज इक्वल टू एएस। अब ये क्या कहता है, ये आया बेटा मेरा एडी सी प्लस आई, एडी क्या गया सी प्लस आई। तो ये है मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पॉइंट ई। क्या गया जी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पॉइंट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड अप्रोच की तरफ। सॉरी एक चीज इसमें और रह गई। अब हम देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम तो आ गया, लेकिन एडी इज इक्वल टू एएस का हुआ। अब देखिए ये एडी और एएस है, और यहां पर कहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये आ रहा है इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू एएस। तो हम बोलेंगे एट इनकम लेवल ऑफ 400 या एट एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ 40 लाख हमारा एडी जो है वो एएस के इक्वल आया। हम क्या बोलेंगे इसको, एडी इज इक्वल टू एएस। ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं बेटा अपने दूसरे मैकेनिज्म की तरफ, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या कहता है। ये वो सिचुएशन है देखो जहां पे हमारा एडी ग्रेटर देन एएस है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, और ये वो सिचुएशन है जहां एडी इज लेस देन एएस, एडी इज लेस देन एएस। तो अब यहां पे इसके साथ जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आपने इन सब के साथ ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म साथ में लिखना है। नोट कर लीजिए मेरी बात, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म साथ में लिखना है। हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर हम कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रेस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन एडी इज नॉट इक्वल टू एएस, व्हेन एडी इज नॉट इक्वल टू एएस। तो जब एडी एएस के इक्वल नहीं है तो हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, या तो एडी ग्रेटर होगा एएस से या फिर एडी लेस होगा एएस से। अब यहां पर हमने प्राइस कांस्टेंट लिया है तो हम ये जानते हैं जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, पर हमने प्राइस कांस्टेंट लिया अजम्पशन नंबर थ्री में। ठीक है जी। सेकंड चीज, जब हम बात करेंगे कि एएस जो है वो ग्रेटर हो गया एडी से तो हम प्राइसेस डिक्रीज करते हैं, यानी कि सप्लाई ज्यादा होती है, एक्सेस सप्लाई, तो हम प्राइसेस डिक्रीज करते हैं, लेकिन यहां पर भी प्राइस कांस्टेंट है। तो फिर इफेक्ट क्या होगा, हम वापस इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर करेंगे, उसको रिस्टोर करने का तरीका क्या है जी, इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो हम इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्शन, और जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो वी विल कट या रिड्यूस द प्रोडक्शन, वी विल कट डाउन और रिड्यूस द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम वापस अटेन हो जाएगा। क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड अप्रोच, दैट इज एस आई अप्रोच।
सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब यहां पर जैसे AD इज इक्वल टू AS था, अब इसमें हमारा वो इक्विलिब्रियम होगा जहां पर S इज इक्वल टू I है, जहां पर S इज इक्वल टू I है। तो बेटा हम सेम टेबल नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन अब यहां पर हमें AD और AS की जरूरत नहीं है। हमें AD और AS की जरूरत नहीं है, क्लियर है जी। तो अभी क्या करते हैं देखिए, ये मेरा S का टेबल आ गया, ये I का आ गया, और हम यहां पे देख रहे हैं 40 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब देखो, चाहे AD इज इक्वल टू AS था, चाहे S इज इक्वल टू I है, दोनों केसेस में 400 लेवल ऑफ इनकम 40 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आया है, क्लियर है जी। अब फिर से हम देख रहे हैं कि ये मेरी सिचुएशन क्या है, ये क्या है और ये क्या है, क्लियर जी। तो आइए पहले इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहां पर लेंगे बेटा इनकम, जीडीपी, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आप लें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हम क्या लेंगे, एस और आई। ये आ गया बेटा मेरा आई। आई हम बात कर चुके हैं कि हमारा कांस्टेंट है, तो वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। क्या होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। अब जो मेरी सेविंग्स है देखिए, वो नेगेटिव से शुरू हो रही है, राइट। तो मैं इसकी जब प्लॉटिंग करूंगा तो वो इस तरीके से आएगी। तो ये बन जाएगा मेरा S इज इक्वल टू I इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहां पर वो इक्विलिब्रियम इनकम हमने डिटरमिन कर लिया। अब बेटा कई बार आपको पेपर में ही आ सकता है कि दो अप्रोचेस क्या हैं इक्विलिब्रियम इनकम को डिटरमिन करने की, उनको आप एक्सप्लेन कीजिए और सेम डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप जब भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे, अगर तो दो डायग्राम्स में है, तो आप ऊपर एडी का बनाएंगे, एडीएस अप्रोच का जो हमने भी बनाया था, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं उसका अपग्रेड क्या है बेटे। ये बनाया था बेटा आपने एस, ये बनाया बेटा हमने एडी। अब हम देखेंगे कि ये सेम लेवल पे आ रहा है, क्लियर है जी। यहां लिख देंगे एडी, यहां लिख देंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी या आउटपुट, क्लियर है जी। और अगर सेम डायग्राम में बनाने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप उसी के अंदर प्लॉटिंग कर देंगे। यहां पे आप एडी भी लिख देंगे, क्लियर है जी। तो अब अगर मेरा एएस जा रहा है ऐसे 45 डिग्री का, ये जा रहा है मेरा एडी, तो आप देखेंगे स्केल नहीं है तो इसके थोड़ा सा टेढ़ा, अदरवाइज ये सेम पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। एडी इज इक्वल टू एएस, एस इज इक्वल टू आई, आपने सेम डायग्राम में दिखा। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा सीबीएसई में एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपको सेम डायग्राम पे दोनों रिप्रेजेंट करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन या सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मार्केट में इंजेक्शन है और सेविंग लोग कम कर रहे हैं। यहां पर है एस इज इक्वल टू आई और यहां पर है एस इज ग्रेटर देन आई। तो अब हम वही बात करेंगे, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या रेस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन एस इज नॉट इक्वल टू आई, यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं है, तो दो चीजें आती हैं। क्या आता है, पहले आता है एस इज, हमने क्या लिया, लेस देन आई। दूसरा आता है एस इज ग्रेटर देन आई। हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे जैसे हमने वहां पे प्रेजेंट किया। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या कहेगा, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वी विल इंक्रीज प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, और जब सेविंग्स ज्यादा है, लोग मार्केट में पैसा नहीं खर्च रहे, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, वो खर्चा नहीं कर रहे, सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है मार्केट में, तो क्या होगा, वी विल कट और रिड्यूस प्रोडक्शन, क्लियर जी। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट लिखिए। हमने पिछले अपनी सभी वीडियोस में डाउट्स क्लियर किए हैं बच्चों के, ये भी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।